वीवीएम में हम बात करेंगे कि एक सीट के अंदर कई सारे सीट्स में डेटा है। इन डेटा को हमें एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कैसे पेस्ट करना है। हालांकि लेटेस्ट एक्सेल में इसके लिए हमारे पास पावर क्यूरी आ गया है, जहां हम एक फोल्डर और एक सीट की डेटा को एक के नीचे कर सकते हैं, मर्ज क्यूरी, अपेंड क्यूरी। लेकिन फिर भी वीवीए हमें एक्सेस देती है कुछ अलग करने का, कुछ अलग चीज की कंडीशंस लगाने का। ठीक है सर, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास डेटा है, मुझे एक सी सारे डेटा का सीट एक सीट में चाहिए। चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सभी लोगों को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी गई है, आप लोग सेशन को रिकॉर्ड कर लें ताकि इन फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो रेफर कर सके आप। तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक मॉड्यूल, और यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे लूप पीआर के नाम से हम बनाते हैं कोड मैक्रोज। तो अब यहाँ पे आप जिस देख पा रहे हैं कि मुझे डेटा सीट के अंदर डेटा को कॉपी करना है, तो यहां पे मैं लूप चलाया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट -1। माइनस वन क्यों किया? क्योंकि डेटा सीट डॉट काउंट आपका डेटा सीट जो है इसको भी काउंट कर लिया, और डेटा सीट हमारा सबसे लास्ट में है, इसलिए हमने -1 कर दिया है कि जितने भी सीट्स होंगे उससे एक कम, मतलब कि सीट 1 6 तक ही चले। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि सीट्स सीट्स में देते हैं आई, मतलब कि पहला सीट डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, जो सीट का पहला सीट होगा वो पहले सीट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मुझे पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम देते हैं रेंज A1, क्या लिखेंगे इसके लिए पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए? करंट रीजन जी हाँ, डॉट डॉट करेंट रीजन, करेंट रीजन डॉट, और यहाँ सिलेक्ट करें कि कॉपी करें? सेलेक्ट नहीं, अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो फिर वापस कॉपी कर सिलेक्शन डॉट कॉपी लिखना पड़ेगा। हम बिना सिलेक्ट कॉपी किए करना भी पड़ेगा कॉपी लिख सकते हैं, तो क्यों हम करेक्ट सिलेक्ट करके एक लाइन बढ़ाए? क्या सर, अगर मैं यहाँ पे करेंट सर रीजन डॉट सिलेक्ट कर दिया तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ता सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन डॉट कॉपी, कॉपी तो एक लाइन बढ़ जाएगा ना हमारा। सिलेक्ट तब करेंगे कि हाँ, मुझे कॉपी करने के बाद पहले सिलेक्ट करके कुछ और चीजें भी करनी है तो हम इसको करेंगे, फिलहाल हम डायरेक्ट कॉपी कर देते। उसके बाद हम शीट्स जो कि डेटा सीट है हमारा फेक, उस सीट पे जाएंगे डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा, जो डेटा सीट है वहां आ जाएगा। अब मुझे एक के नीचे पेस्ट करना है, तो हम यहां देंगे रेंज A65000। हो सकता है कि पहले इसमें कोई डेटा हो, फिलहाल तो ब्लैंक दिख रहा है ना, लेकिन मे बी इसके अंदर डेटा हो। करेक्ट तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं एंड करते हुए एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब यहां सिलेक्ट करके फिर डायरेक्टिव सी डॉट पेस्ट करें, उससे जगह क्या करेंगे हम, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, लीजिए आपका ये तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं, तो मैं रन यहीं से कर देता हूं। तो आपने देखा कि डेटा कॉपी पेस्ट तो सारा कर दिया, लेकिन सबका हेडिंग लेके भी है। अब मुझे हेडिंग नहीं लाना, मैंने एक बाय डिफॉल्ट हेडिंग पहले से डाल दिया, मुझे हर शीट की हेडिंग नहीं चाहिए। तो कैसे करें, देखिए जब आप कॉपी करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मान लीजिए मैंने यहां पे जाके पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद पहला सेल कौन एक्टिवेट होता है, A2 एक्टिवेट है, मतलब हेडिंग वाला ही सेल एक्टिवेटेड है। तो मैं यहां एक सिंपल सा कोड लिखूंगा, एक्टिव सेल। अब डॉट डिलीट नहीं होगा, एंटायर रो, क्योंकि क्या डिलीट करना है, तो हमें इसकी एंटायर रो को करो ही डिलीट कर देना है।
ठीक है सर। तो क्या करेगा, डेटा पेस्ट करके पहला रो डिलीट कर देगा, मतलब कि हेडिंग को डिलीट कर देगा। इससे क्या हुआ कि आपकी यहां पे हेडिंग नहीं है ना, कहीं पे गायब हो गया हेडिंग, समझे? अब इस कोड में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर, एक बार एक्टिव सेल डॉट एंटायर रूट डॉट डिलीट ये बताइए ना, ये थोड़ा मेरे को नहीं समझा। मतलब क्या हुआ कि जब डेटा कॉपी हो रहा है तो हमने डेटा कॉपी में ऐसा नहीं ना बोला हुआ है कि भाई हेडिंग के नीचे से कॉपी करो। आपके पास दो रास्ता है, जो आपने करंट रीजन है इसके जगह पे आप करेंगे कि A2 पे जाओ, कंट्रोल सी राइट डाउन करो, पहला कर सकते हैं ना आप। तो ऐसा नहीं किया, लेकिन जब हमने देखा जब डेटा कॉपी होके किसी सीट पे सेल पे पेस्ट होता है तो आपका जो पहला सेल है, जो हेडिंग का सेल है, वही एक्टिवेट है क्या? तो मैंने यहां बोल दिया कि जो एक्टिव सेल है उसकी एंटायर रो को डिलीट कर दो। तो जो भी एक्टिव सेल होगा पेस्ट करने के बाद, पेस्ट स्पेशल करने के बाद, उसकी पूरी की पूरी सेल को कर देगा डिलीट, पूरी पूरी रो को, सॉरी। तो आपका हेडिंग डिलीट हो जाएगा, समझे? और नहीं कोई डाउट है? नहीं अब यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी डेटा पेस्ट हो रहा है तो यहां पे बाउंडेशन है कि डेटा शीट हमेशा लास्ट में होना चाहिए। अगर डेटा का शीट लास्ट में नहीं है तो डेटा की कॉपी डेटा भी पेस्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहां कहीं पे ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इग्नोर द डेटा शीट, दिया हुआ है सर? हमने तो यहां दिया हुआ है कि 1 2 सीट डॉट काउंट -1, तो जितना सीट, जैसे 7 सीट है तो 6 तक चलेगा, और 7वां सीट हमारा डेटा है जिसका आंसर ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब ए इस तरह से आएगा, एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? अच्छा जैसे मैं बोल रहा हूं कि अभी अभी मैं माइक्रो तभी तक सही से परफॉर्म करेगा जब मेरा डेटा सीट सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि डेटा सीट को इग्नोर करने का कोई ऐसा कोड हमने इसके अंदर नहीं डाला है। और आपका वीवीए गधा प्रसाद है, इससे अगर पानी मांगोगे तो क्लियर करना पड़ता है कि 1 गिलास पीने वाला पानी दो, वरना हो सकता है कि बाल्टी में पानी पानी उठा के ले आए, समझे? तो हर चीज क्लियर करना होता है। तो अगर मेरा सीट बीच में हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहां हमने इसको कर दिया डिलीट, और यहां सीट डॉट सेलेक्ट हुआ हुआ ना, उससे पहले कंडीशन देंगे कि ए, अब यहां कंडीशन दे रहे हैं तो यहाँ एक काम और कर, हाँ सही है, एक काम और कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क वर्क शीट्स, ठीक है? और यहां पे हमने कर दिया कि सेट डब्ल्यू इक्वल टू शीट्स आई, ठीक है? और यहां सीट जी क्या बोल रहे, आई करना है, आई सीट करना डाटा करना है। नहीं, आई करना डेटा नहीं। अच्छा फिर यहां पे कंडीशन करेंगे कि इफ डब्ल्यू डॉट नेम इज इक्वल टू डेटा देन, सॉरी नॉट इक्वल टू डेटा, माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल टू डेटा, तो क्या करें, जो कोड रखने, जो कोड प्रोसीजर है उसको करें कि डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट, समझे? और यहां नीचे नेक्स्ट से पहले हमें इफ को क्लोज करना होगा,
तो हमने पूरी की पूरी कंडीशन, हाँ पूरी की पूरी जो हमारा मैक्रो था उसको इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया। हमने बोला कि यहाँ पे मैं ले लिया ऐसे ही वर्कबुक, हालांकि बिना लिए भी काम चल सकता था, डायरेक्ट लिख देते हम, लेकिन ले लिया ताकि वर्कशीट की भी आगे चल के इसका हम यूज करेंगे तो पता तो चले कि हाँ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अब हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करते देखिए डेटा शीट कहीं भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा का सारा शीट यहाँ पे ऐड हो गया। किसी को डाउट इसमें? नहीं सबको कोड समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो कोड समझ में आ गया, तो अब आपको एक कोड मैं भेज रहा हूं, आप लोग इस कोड के ऊपर कीजिए एडिट, और एडिट करने के बाद मुझे भेजिए एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि अब इसमें मान लीजिए कल के डेट में मुझे इसको सेपरेट करना हो पड़े तो मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा कौन सा किस सीट का डेटा है, क्या पता चल रहा है? तो आपको क्या करना है कि एक फील्ड ऐड करना है यहां पे कि सीट अंडरस्कोर नेम, और जिस सीट का डेटा है मतलब कि जब डेटा पेस्ट हो तो सीट का नाम भी पेस्ट हो, मतलब जैसे सीट टू मान लीजिए कि सीट वन पे गया, सीट फाइव पे गया, इसने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आया यहाँ पे पेस्ट किया, पहले वाली सीट को रेंज को डिलीट किया, और इसने किस सीट से पेस्ट किया है तो सीट फाइव से पेस्ट किया है, सीट वन फाइव से पेस्ट किया है, या जो भी सीट नेम है, और वो नीचे तक डाल, समझे? ये कीजिए।